उसके घर के अंदर आने से पहले ही आजम रियाज और पारस छाबरा के बीच में झगड़ा देखने को मिला था और घर में आने के बाद उनके बीच में एक बार फिर झगड़ा हुआ, लेकिन बीच में थोड़ा सब कुछ नॉर्मल हो गया था। लेकिन कल हुए हॉस्पिटल टास्क के बाद आजम और पारस के बीच में एक बार फिर से झगड़ा हो गया और वो दोनों एक दूसरे पर चीखते चिल्लाते हुए नजर आए और एक दूसरे को फट्टू भी बुलाया। दरअसल टास्क के दौरान पारस छाबरा ने आजम और सिद्धार्थ को काफी टॉर्चर किया। सिद्धार्थ तो एंड तक बने रहे लेकिन आजम टॉर्चर को सहन नहीं कर पाए और वो बीच में ही उठकर चले गए। उनकी बारी खत्म हुई तो बाथरूम एरिया की तरफ पारस छाबरा बैठे होते हैं और तभी वहाँ पर आजम आ जाते हैं और इसी को लेकर पारस आजम से कहते हैं कि यार कि तुम तो बिल्कुल सहन नहीं कर पाए। आजम कहते हैं कि तेरे अंदर दम ही नहीं था वरना तू करता। और आजम अपने ऊपर किए गए टॉर्चर को लेकर कहते हैं कि तूने मुझ पे तो किया लेकिन भाई पे क्यों नहीं किया। पारस कहते हैं कि मैंने तुझसे ज्यादा अप्लाई किया था उनपे, मैंने उनका वैक्स किया और उधर वो लगाया। वैक्सिंग के बाद अगर वो धूप लगाते हैं तो काफी जलन होती है और हुई भी होगी उन्हें, पर तू तो फट्टू निकला, तुझमें दम ही नहीं है, मर्द बन। इस पर आजम गुस्सा हो जाते हैं और वो पारस को फट्टू कहना शुरू कर देते हैं और दोनों एक दूसरे पर चीखते चिल्लाते हुए एक दूसरे को फट्टू बुलाते हुए नजर आते हैं। तभी बाथरूम से देवोलीना बाहर निकलती है और उन दोनों को शांत करने की कोशिश करती है और फिर आजम चले जाते हैं बाथरूम में और देवोलीना पारस को शांत करते हुए कहती है कि उसने अपना पॉइंट रख दिया और वो गया, अब तो चुप हो जा। बिग बॉस सीजन 13 की सभी चटपटी मसालेदार और स्टेडी सीजन की सभी टेडी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।